मैं इस समय दिल्ली आया हूँ ना एक आतू फेस्टिवल के, तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जिस घर में मैं हूँ इस समय, ये शिवानी ने डिजाइन किया था 2008 में। जो इसकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इस समय किचन में हूँ और इसकी एक बहुत बड़ी ये विंडो है। तो किचन में जो बंदा काम कर रहा है और अपन लोग जहाँ हैंग आउट करते थे उसमें फिर कोई भी अकेला नहीं पड़ता था। हमने अभी अभी स्टॉल सेटअप कर लिया है। संजीव जी यहाँ पे आए हैं, औरों को तो वीगन ही बना रहे हैं, टी शर्ट पहन के मैसेज दे रहे हैं। इनकी वाइफ भी वीगन हो गई है। अपने परिवार वालों को चेंज करना सबसे मुश्किल है। आज ऐसे बहुत से लोगों से मिलने की उम्मीद है, थोड़ा चार्ज अप हो जाऊंगा मैं भी। मैं हॉस्पिटल आया हूँ दो पपीज को लेने, क्योंकि सुबह सुबह कॉल आई है कि वो अडॉप्ट हो गए हैं। पर ये आया है या अपना ही कोई बीमार हो गया? इसका शोल्डर डिसलोकेटेड है ना, तो शोल्डर क्या आप ऐसे अंदर डालने की कोशिश करोगे? हाँ, जहाँ से उतरा है वापस मुड़। धनुष, मैंने आपको बताया था ना, हमारे यहाँ से ठीक होकर गया था, फिर एक्सीडेंट हुआ, आया हुआ, अब ये बैठा हुआ है। आई थिंक मैंने कई जगह देखा जैसे वो पहलवान लोग करते हैं, आप वैसे करोगे? वो जो कहते हैं उतरे कंधों का इलाज और वो सब, अगर हम चढ़ा पाते हैं उसको तो हम इसको फिर स्लिंग लगा देंगे। तो पता किस लगेगा, आवाज आएगी पॉप करके? यहाँ चढ़ाना है इसको, इसके एंड पे। अभी शायद एक लैब्राडोर भी आनी है। लैब्राडोर नहीं है, वो इंडी ही है, अबैंडन्ड। वो अभी हीट पे है तो डॉग भी अटैक कर रहे हैं और लोग भी इरिटेट होकर और गुलेल से इंजर कर रहे हैं उनको। हीट पे जब डॉग आ जाती है तो बड़े सारे मेल्स पीछे पड़ जाते हैं ना उसके। अब ये मुझे बाय द वे कॉन्फर्मेशन नहीं है, पर ऐसा कोई केस है कि किसी फीमेल डॉग की मेटिंग हो गई? अब आपको है कि भाई उसका तो बच्चे हो जाएंगे, स्टरलाइजेशन अभी पॉसिबल है नहीं क्योंकि आपके वेट नहीं है। कई लोग वो सहेली करके ह्यूमन पिल्ले जो देते हैं, मुझे नहीं पता सही है गलत है, पर जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, इमरजेंसी में जब आपको पता है कि बच्चे पैदा होने हैं तो उससे बेटर लोग वो पिल देते हैं। ज्योति, वो पपीज, अब हमारे पास कितने पपीज बचे? वूली और बेटर दिख रही है एवरी डे। ये रहे जी स्पेशल पैकेज फॉर पिकअप, ये जाएंगे धर्मकोट। एक जा रहा है, एक का तो कंफर्म्ड है और दूसरा वो फॉस्टर करेंगे। फॉस्टर यानी कि मतलब जब तक ये अडॉप्ट नहीं होता वो रखेंगे। भाई आप भी अडॉप्ट नहीं कर सकते तो आप फॉस्टर करके रेस्क्यूज की हेल्प कर सकते हो। इनके हमने नाम भी नहीं रखे ना अभी तो, बस हम तो ये कहते भालू के बच्चे हैं, गोलू मोलू हैं। ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए रहेंगे यहाँ पे और फिर ये अडॉप्ट हो जाएंगे हमारे। आज हमारा फिर मैकलॉड में स्ट्रीट इंटरव्यू है, लेकिन सुबह हॉस्पिटल के कुछ केसेस हैं तो मुझे ज्योति से डिस्कस करने हैं, वो करेंगे फिर भागना है हॉस्पिटल। सुंदर जगह है हमारा, पीछे वो सारे बर्फ के पहाड़ है, हमें मैकलॉड जाना है, वहाँ तो नहीं है, उससे थोड़ा नीचे। ये वाला डॉग है ना, ज्योति कह रही कि वहाँ पुराने वाले पीपल फार्म में छोड़ना। क्यों? मयूरी है सर। पुराने वाले पीपल फार्म मतलब जो हमारा वो है होम ऑफिस पीपल। अच्छा, ठीक हो गई है, इसकी स्पेस सर्जरी भी हो गई है, तो अब बस इसको अडॉप्ट करवाना है। पहले हम टेस्ट करेंगे, हाथ डाल के खाती तो नहीं है? नहीं, नहीं, खतरनाक होते हैं क्योंकि अरे तो फ्रेंडली है ये। अरे ये सुपर फ्रेंडली पिटबुल तो आई एम श्योर किसी को चाहिए होगा, चाहिए होगी, पर पता है हमने इसको स्टरलाइज कर दिया तो आप बच्चे नहीं करा सकते इसके। ब्रीडर सक। हम लोग फिर से आ गए एलिफेंटो की तरह कि भाई हमें लोगों से एक और स्ट्रीट इंटरव्यू लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो कि हमको यहाँ मस्ती करने आए हैं, हम चाहते हैं कि कुछ पहने सवाल पूछें एंड लोगों को अवेयर करें, जिनसे हम पूछ रहे हैं उनसे भी और जो देख रहे हैं उनको। अभी अपन लोगों ने ब्रेक लिया, अभी हम भी कुछ खा लें और अपने इक्विपमेंट को भी रिचार्ज कर लें। तो मेरे को एक चीज ध्यान है कि भाई बेशर्मी की प्रैक्टिस के लिए एक तो ये भी मैं तो फटे फटे कपड़े पहनता हूँ, दूसरा ये कि भाई लोगों का जैसे खाना बच जाता है, भाई झूठा उनकी प्लेट से वो फेंक रहे हैं तो उनसे अपन लोग मांग लेते हैं कि भाई हम अपनी बकरी को खिला देंगे, तो इसमें थोड़ा अटपटा लगता है पर अपनी प्रैक्टिस पक्की होती रहती है सबसे बड़े रोग के अगेंस्ट। और क्या है सबसे बड़ा रोग? कि बोलो कि तुम, मैं बोलूं क्या कहेंगे लोग, इन्हें शर्म आ रही है, इसीलिए बेशर्मी की प्रैक्टिस चाहिए। पर सारी बेशर्मी अच्छी नहीं है, देखो ये इतने बेशर्म है, मैं पानी की बोतल लेके चला हूं, ये पानी की बोतल लाया नहीं है, इन्होंने खरीदी है। शेम शेम। तो दौलत राम जी ने ना ये कुत्ते जो बैठे हैं इनको देख के एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। दौलत राम जी का कहना है कि हम लोगों की जिंदगी कुत्तों की जिंदगी से ज्यादा कीमती है, क्योंकि भाई हम लोग अगर खत्म होते हैं तो हमारा परिवार साथ में खत्म हो जाता है, इनके साथ ऐसा नहीं है, इसलिए इनकी जिंदगी। तो मेरे पास तो इसका जवाब है, आपका क्या जवाब है कॉमेंट्स में बताना।